देखो, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी में नया है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो लोग पढ़ेंगे जो हायर एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे हैं, जैसे यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, और इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी को वो यूज करना चाहते हैं। पहला रूल तो ये है, मतलब ये, और यदि कॉमन मैन इसको पढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इस देश दुनिया की। वर्ड है हमारा, पता नहीं कितने लोगों ने, आप लोगों ने इसको देखा है, सेसेशन। कितने लोगों को पता है? मतलब बड़ी मजेदार बात यह कि अभी यहां पर कोई भी हाथ उठाने को तैयार नहीं है सेशन पे। हाँ बोलो। जो ये वर्ड सेशन है, ये दो वर्ड को मिला करके बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला वर्ड है शी और दूसरा वर्ड है रेसेशन। इन दो वर्ड को मिलाकर के ये सेसेशन बनाया गया है। मतलब क्या हुआ? कुछ थिंकर्स ने इसके ऊपर सोचा वर्ल्ड वाइड, और वो क्या सोचा कि जब कोविड पैंडेमिक आया तो जो हमारा महिलाओं के लिए समस्या थी वो बढ़ी है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो नौकरी कर ली लेकिन महिलाओं को घर पे बैठना पड़ गया। अब ऐसे सोचो कि महिलाओं को इसने इतना ज्यादा अफेक्ट किया कि जो हमारी वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया, उनका डिपेंडेंस घर पे ज्यादा बढ़ गया, उनकी इंडिपेंडेंस कम हो गई, ठीक है, और इसकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दोनों डाउन कर गया, वो डिक्लाइन कर गया, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, वो इंडिपेंडेंस हो, और या फिर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कई बार कॉम्प्रोमाइज हुआ है इसमें। ठीक ठाक पढ़ करके भी उनको परेशानियां होती हैं। आप देखो कि जब कोविड 19 हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी यदि हम देखें तो महिलाओं को आई, बिकॉज दे लॉस्ट देयर जॉब्स मोर रैपिडली देन द मेन। पहला ये इंपॉर्टेंस है। और कहां कहां पर महिलाएं रही हैं जिनकी नौकरियां रहती हैं, वो यदि आप देखें तो ये कहां परेशानी हुई? हॉस्पिटैलिटी, है हॉस्पिटैलिटी में सबसे ज्यादा महिलाएं। आप देखें यदि किसी भी हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर को देखें, हॉस्पिटैलिटी मतलब स्वागत, हॉस्पिटल से ये नहीं बनाई, होटल में हॉस्पिटैलिटी होती है, और हॉस्पिटल्स में तो कई बार यू सी द होस्टिलिटी ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट होस्टाइल हो जाते हैं, मजाक की बात है। लेकिन ये तो हमको दिख रहा है कि उनके लिए परेशानी कहां हुई? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ये सेक्टोरल यदि हम देखें, उनके लिए परेशानी हुई रिटेल सेक्टर में, हुई कि नहीं हुई? रिटेल सेक्टर्स में से बहुत सारी महिलाएं, आप देखिए जितने भी दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, उसमें मैक्सिमम लड़कियां काम करती हैं।
करती कि नहीं करती हैं। और इसी तरह से हेल्थ केयर में तो ये हमारा सेक्टोरल इंपैक्ट आप समझ सकते हैं, ये सेक्टोरल इंपैक्ट है इनका। और इसकी वजह से यदि हम कहें कि हमारी इकॉनमी और पूरी ग्लोबल इकॉनमी नीचे आई थी, हम अभी भी कहते हैं कि जो हमारी रिकवरी हुई वो के शेप रिकवरी हुई, मतलब कोविड के समय एकदम से नीचे आया, उसके बाद कुछ सेक्टर्स तो ऊपर उठे, कुछ सेक्टर ऊपर नहीं उठे उतनी तेजी से जितनी तेजी से उठना चाहिए। और उसमें नुकसान किसको हुआ? इसी सेक्टर को हुआ जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा था, इसीलिए इसको हम शेषन कहते हैं, महिलाओं के लिए रेसेशन है ये। आप लोग एक बात गौर करिए, कल एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की वो उन्होंने इंग्लिश में यूज की, उन्होंने हिंदी में नहीं यूज की। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया और उसके हिंदी में जो टर्म है वो इंग्लिश में ही दिया, उन्होंने दिया कि नहीं दिया। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक कारण तो ये जो सेक्टोरल इंपैक्ट है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, उसके लिए पैसे मिलते नहीं हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उनके पास। उसको हमने एक दिन आपको बीच में पढ़ाया था, केयर इकॉनमी। क्या पढ़ाया था? केयर इकॉनमी। तो इसका एक कारण और यह भी है कि जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत हो गए उनके पास। तो जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी एक कारण है कि वो फिर उनके लिए सेशन हुआ, दूसरा कारण। तीसरा कारण, आप गौर करिए कि कोविड के बाद, और हम तो आज भी ये कहते हैं कि पहले भी और आज भी, एक हमको जेंडर पे गैप दिखता है। पुरुषों को ज्यादा सैलरी मिलती है उसी काम के और महिलाओं को कम सैलरी मिलती है। देखो, ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट में तो सबको बराबर दी जाती है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स तो एक समय तो ठीक था, लेकिन अचानक से कोविड के बाद से चूंकि उनको परेशानी हुई, सेशन हुआ, तो जब वो गए कि भाई हमको नौकरी चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई इतने तो नहीं मिलेंगे, इतने में काम करोगे क्या? तो एक जेंडर पे गैप भी है, ठीक है। तो जब लोअर पे जॉब होगा तो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी भी होगी, होगी कि नहीं होगी? पहले पति कहता था तुम इतना लाती थी घर पे, अब तुम कम ला रही हो। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस हमको घरों में लोगों के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि घर जब नहीं चलता है तो घरों में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, इस बात को भी देखना है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो एक हमारे यहां वर्क फोर्स सेग्रीगेशन भी होता है। क्या होता है? वर्क फोर्स सेग्रीगेशन। ये जो वर्क फोर्स सेग्रीगेशन है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लोग क्या सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पार्ट टाइम काम करती हैं, उनको कह दो लेट तक रुक जाओ तो नहीं रुकेंगी। उनको लगता है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम करेंगी, फॉर्मल सेक्टर में कम है। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें परेशानी है? उनको लगता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दे दो, परमानेंट मत करो।
ये भी एक परेशानी है। पार्ट टाइम, इनफॉर्मल सेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स, ये भी तो चीजें हमको दिखाई पड़ने लगी, और उसके पीछे कारण है। गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज बनाती है तो कुछ उसके शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। यहां पर गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। मैं बताता हूं कैसे। आपको पता है कि मैटरनिटी लीव दी जाती है गवर्नमेंट में, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये सोचते हैं कि यदि हमने किसी लड़की को, किसी महिला को अपने यहां एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो दो बच्चों के लिए हमें फुल पे के साथ उसको छुट्टी देनी पड़ेगी, 6-6 महीने की देनी पड़ेगी, 26 वीक्स का मामला है ना एक बार में, और फिर चाइल्ड केयर के लिए भी बाद में देनी पड़ सकती है कभी भी। तो इसकी वजह से भी सेसेशन हुआ है। हमको गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि ये सेसेशन हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, तभी काम चलेगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि हां ये तो हो रहा है। और ये जो कारण जितने आप देख रहे हो, इसका इंपैक्ट कितना खराब है, यदि इसको आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। लॉस ऑफ जॉब्स होगा, नौकरियां जाएंगी, देन रिड्यूस्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, डिक्लाइंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है, ठीक है, इससे क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी भी होगी। कैसी होगी वो ऐसे समझ लो, ऐसे इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम फॉर मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स कम है, तो ये इनकम इनइक्वालिटी भी हमको बहुत दिखती है। इनकम इनइक्वालिटी ये इंपैक्ट हो रहा है हमारे पास। देन लॉस ऑफ मोटिवेशन भी है, लॉस ऑफ मोराल भी है, लॉस ऑफ मोटिवेशन, लॉस ऑफ मोराल, देन डेटरिंग इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ऐसा कि नहीं है। देन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं इससे। देखो मैं हमेशा उसको देख रहा हूं जो कमजोर वर्ग है, ऊपर वालों में तो पैसा बहुत रहता है उसकी चिंता नहीं है, एक जो मध्यम वर्ग है उसमें यह परेशानी खास तौर से दिखती है। दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ठीक है, और इसलिए कोशिश हमको यह करनी पड़ेगी कि हम किसी तरीके से इसको मिटिगेट कर पाए, इसको कम कर पाए सेसेशन को, क्योंकि यदि इसको हम कंप्लीट नहीं कर, इसको मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, इसको कम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे देश में जहां पर 140 करोड़ लोग हैं वहां पर महिलाओं की स्थितियां खराब होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन फिनोमेना है, इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। तो इस ग्लोबल फिनोमेना को भी तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें चाइल्ड केयर फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, भाई बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी कुछ लोग हों, तो उसमें फिर महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। ये बात आप यदि देखो तो हमारे यहां पर जब मनरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, मनरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है
तो महिलाएं भी उसमें आती हैं, उन महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों को संभालने के लिए एक दूसरी महिला को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कि आपका काम है इन बच्चों को संभालना, बाकी जो वो काम कर रही है करने दो, आप इन बच्चों को संभाल लो, जब उनको फीड कराना हो वो टाइम आएगा फीड कराएंगे और चली जाएंगे, उनके लिए काम हो जाएगा। तो हमको ये चाइल्ड केयर सपोर्ट देना पड़ेगा, हमको उनको फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना प्राइवेट सेक्टर में है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम उनको वर्क फ्रॉम होम एक बेहतर ढंग से दे दें कि भाई आपको ये काम करना है, तो जब बच्चा सो रहा हो तब आप कंप्यूटर बैठ के ये काम कर दीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम एक सॉल्यूशन हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी आवर्स वर्किंग। ये बात हमने कब पढ़ी थी, ये हम मतलब आप सोचोगे तो हंसोगे, लगभग 30-32 साल पहले मैंने ये बात पढ़ी थी, एल्विन टॉफलर की बुक थी थर्ड वेव, उसमें मैंने पढ़ा था कि एक जमाना आएगा जब फ्लेक्सी आवर्स में वर्किंग होगी। वो बात सच हो रही है, तो हमें फ्लेक्सिबल आवर्स देने पड़ेंगे, वर्क फ्रॉम होम इनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। जब तक बच्चा छोटा है वर्क फ्रॉम होम कर लो, हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आ जाओ, 3 दिन ऑफिस आ जाओ, 3 दिन आप घर से काम कर लो, हो सकता कि नहीं हो सकता है। देन हमें जेंडर पे गैप्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इवन इन प्राइवेट सेक्टर द पॉलिसी शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्वल पे, एलिमिनेटिंग जेंडर पे गैप्स। तो जो जेंडर पे गैप्स हमारे यहां हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसको खत्म करने के लिए भी हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, हमें जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जेंडर रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज। ठीक है, इसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यदि हम उसकी अपस्किलिंग कर दें, हम उसकी न्यू स्किलिंग कर दें, अपस्किलिंग न्यू स्किलिंग यदि हम कर दें, तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स मिल जाएगा। तो जो हम सेक्टोरल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उससे भी हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम वर्क कल्चर को सुधार सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके लिए कुछ रूम्स बना दिए जाएं जहां पर वो बच्चे की केयर कर सके जाकर के, बीच बीच में वहां पर कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए कि वो उसको देख लें बिल्कुल मदरली ट्रीटमेंट के साथ। तो ये भी चीजें हमको वहां पर एक वर्क एनवायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस पे हमें रिसर्च करने की भी जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे रिसर्च अब जरूरी हो गई है। ये COVID-19 ने हमको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन हमको नए थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए भी काम दिया है। ठीक है, इसकी वजह से यदि आप देखें तो हमको एक काम और करना चाहिए, वी शुड प्रोवाइड देम एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट। कोई बात नहीं, आप उद्यमी बनो, हम पैसे देंगे आपको, आप काम करो, तो जब वो खुद मालिक होगी तो ज्यादा बेहतर कर लेगी। ठीक है, वी हैव टू एलिमिनेट डिजिटल डिवाइड, ठीक है, हमें कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स चलाने होंगे, हमें PPP मॉडल्स यूज करने होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनानी होंगी, हमें जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग करनी होगी। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जब आप समझोगे तो ये सेशन समझ में आएगा। मैंने पहले ही जब क्लास लेनी शुरू की थी तो मैंने ये कहा था, ये वर्ड अब इकोनॉमिक्स में यदि आप शी प्लस सेशेशन लिख के, रेशेशन लिख के ही सेशेशन लिखना, सिर्फ सेशेशन लिख दोगे तो उनको लगेगी तो स्पेलिंग मिस्टेक है, डिक्शनरी में डालोगे मिलेगा ही नहीं वर्ड।
समझ गए कि नहीं समझ गए? डिक्शनरी में यदि ये वर्ड डाल दोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप जब लिखना शुरू करो, जैसे मैं बोलता हूं कि महिलाओं के लिए ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है कि उनको दिखता तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं जा पा रही, उसका एक बहुत बड़ा कारण सेसेशन भी है। तो जब आप अपना आंसर लिखोगे तो इस टर्मिनोलॉजी को यूज करके अपना इंपैक्ट अच्छा कर सकते हो एग्जाम में। नॉर्मली जब लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस पे ध्यान कम देते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये देख लेना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने काम किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में या जब इंडियन इकोनॉमी आप लिखने जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बनना शुरू हो जाते हैं, हो जाएंगे बनना शुरू, ध्यान रखिएगा। अब कुछ टॉपिक्स जो मैं चाहता हूं जिसको आप पढ़ेंगे, अभी COP28 हुआ है, उसमें ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस हमने पहले भी बताया था आपको, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कम हो उस पर कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज एक्सचेंज के लिए है, वाटर मॉनिटरिंग है, अर्बन फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है, जो लेक्स हैं रिवर से कनेक्टेड उनको ठीक करना है, ग्रीन स्पेस को ठीक करना है, और हमको कलेक्टिव एक्शन पे काम करना है। ये हमारा बेसिकली ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, इस पर थोड़ा सा आप देखेंगे जो COP28 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो हुआ है उस पर आप देखेंगे, तो आपको मेरा ख्याल है थोड़ा सा बेहतर समझ में चीजें आनी हो जाएंगी, ठीक है। मैंने एक दिन आप लोगों को एनआरको कैपिटलिज्म के बारे में बताया था, ये बात काफी पुरानी हो गई है, हो गई है ना, जो सेंट्रल स्प्रेड है द हिंदू का, उसमें एनआरको कैपिटलिज्म के बारे में दिया हुआ था, उसको भी देख लेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि कल हम एनआरको कैपिटलिज्म पे एक पूरा टॉपिक ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।